天井の高いマウントを回るんだね。हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज की नई सुबह के साथ हम अपनी मौसी के गांव, जहाँ का नाम पिंगला पानी है, हमें अचानक से रुद्रप्रयाग जाना पड़ा हमारे बड़े भाई के साथ। क्यों जाना पड़ा ये हम आपको बताएंगे रुद्रप्रयाग पहुँच के। तो तब तक के लिए मिलते हैं और हम कोशिश करेंगे रुपाई के टाइम पे हम जल्दी से जल्दी घर पहुँच सके और आपको रुपाई दिखा दें। हम पहुंच चुके हैं रोड पे, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे गाड़ी, और हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी हम यहाँ से निकले और रुपाई के टाइम पे हम जल्दी से जल्दी घर पहुंच जाए। तो यहाँ से रुद्रप्रयाग होगा कम से कम 35 किलोमीटर की अभी हमें सफ़र करना है। 35 किलोमीटर जाना, 35 किलोमीटर आना, तो टोटल हो गया 70 किलोमीटर। तो देखते हैं 70 किलोमीटर का सफ़र हमारा कितने घंटे में पूरा होता है। आना जाना थोड़ा सा आधे घंटे का काम है। चलिए चलते हैं रुद्रप्रयाग। तो हम पहुंच चुके हैं मारुति सुजुकी शोरूम रुद्रप्रयाग में, और हमको इसलिए आना पड़ा थोड़ी सी जिला पंचायत में काम था और थोड़ा गाड़ी का ब्रेक पैड में दिक्कत आ रही थी, जो कि 3-4 दिन बाद भी हमने दिखाया था 3-4 दिन पहले भी, पर तभी भी नहीं हुआ, वो फिर से दिक्कत कर रहा है। इस कारण हमें इमरजेंसी में आना पड़ा। जल्दी से काम करा के हम फिर चलते हैं घर की ओर। और हम पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग से पिंगला पानी। काफी गर्म हो रहा है, पसीने पसीने से तर बतर हो चुके हैं हम। तो अब हम जाएंगे गदेरा नहाने और देखते हैं, क्या पता मच्छी भी मिल जाए तो हम मच्छी भी पकड़ लेंगे। और हमारे भाई यहाँ पे गाड़ी लगाते हुए, और इसके बाद हम चलते हैं और नीचे सामने दिख रहे हैं आपको गदेरा। तो अभी हम चलते हैं वहाँ, फिर आपको दिखाएंगे वहाँ गदेरे। दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं रुपाई के खेत में। अब ये भर चुका है पानी, आप सामने उस खेत में भी देख रहे होंगे पानी भर चुका है, और 3-4 खेत बचे हैं अभी रुपाई के लिए। और अभी चल रहा है ब्रेक टाइम, आप देख सकते हैं ये सब ब्रेक टाइम चल रहा है। वही हमारी मौसी जी है, और ये रुपाई का ब्रेक टाइम चल रहा है, ये लंच ब्रेक हो रहा है। चलो ये भी रुपाई लगाना है। कालू 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 चलो देख रहे होंगे रुद्रप्रयाग के आने के बाद काफी पसीना पसीना हो चुका है, बहुत ही ज्यादा गर्मी। और अब हम चलेंगे तीनों भाई नहाने गदेरे। तैरना तो मुझे आता है नहीं, तो दो तैराक हमारे साथ है, अगर कुछ बगने का सीन होगा तो दोनों भाई बता सकते हैं। अरे भाई है छोटे भाई, तो ये हमें तैरना सिखाओ, क्या आप हमें तैरना सिखाओगे? बिल्कुल नहीं। नहीं, नहीं। बड़े हैरानी हो फिर तो? बहुत बड़े हैरानी है। तो हम पहुंच चुके हैं गदेरे के किनारे। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वॉल्यूम में जरा नॉइज आएगा क्योंकि पानी का ज़्यादा बहाव है, जिस कारण नॉइज आ सकता है। तो फिर भी हम आपके सामने क्या तो ये डूब गई थी, ये हमारी मौसी की बड़ी लड़की है, तो हम इसकी अब शादी कराएंगे। और ये फिर
तो आप हमारे बीच देख सकते हैं मौसी की लड़की, बड़ी लड़की, और ये हमको तैरना सिखाएंगे आज। तो आज से हमारी स्विमिंग क्लास स्टार्ट होती थी, और ये हमारा नहाने का तालाब है, स्विमिंग पूल। ये हमारा पहाड़ों का स्विमिंग पूल है, और अभी मेरा भाई वहाँ ऊपर से कूद के दिखाएगा तुम्हें, बड़ा ही तैराक है। दोनों भाई तैयार होते हुए, अपनी स्विमिंग ड्रेस लेकर आ जाओ। इससे बड़ी स्विमिंग ड्रेस क्या होगी? ये देखिए हमारे साथ, और ये अभी जाएंगे, जा तो ना। ये देख सकते हैं पहली जंप लगाई है भाई ने, और ये दूसरा भाई। वाह, गर्मियों में ऐसा नहाने का मजा ही अलग है। मेरे को नहाना आता है नहीं, बट भाई लोग को देख सकते हैं आप काफी मजा लेते हुए। बहुत गहरा भाई, बहुत गहरा, और बहुत ही ज्यादा गहरा है भाई कह रहा है। बड़ा छोटा तैराक वहाँ खड़ा हो चुका है, जरा अपनी पलटी दिखा वे। हे मंजूरे, जरा पलट के दिखा, और ये देखो ये। तो चलिए दोस्तों, हम भी नहाते हैं और नहाने के बाद आपको मिलते हैं। मेरा फोन वाटर प्रूफ नहीं है, वरना मैं आपको पक्का अंदर जाके दिखाता था, फोन को अपने साथ लेके जाता था, बट हम ना गोप्रो वाले हैं ना हम कुछ बड़े वाले हैं, तो हम छोटे हैं। और ये देखिए एक बड़ा मंजूरा फिर कूद के दिखाएगा, तो बड़े मंजूरे कूद ये। चलो फिर दोस्तों, मिलते हैं आपको नहाने के बाद। ठंड ठंड पानी से नहाना चाहिए। तेरे बोल मेरे दोस्तों, मेरे को तैरना आता नहीं है, बट ये दोनों भाई मेरे को जबरदस्ती कह रहे हैं यहाँ कूद, क्योंकि ये नहीं चाहते मैं जीऊं। तो अभी पहले बड़ा भाई वहाँ खड़ा रहेगा, तब मैं चिल्लाऊंगा मुझे तू। दोस्तों हम नहा चुके हैं और हम चलते हैं घर की ओर, और बाकी अब आपको कल मिलेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक के लिए आप लोग घर पे रहें, सेफ रहें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।